Alright, so today's topic the first topic that I'll be teaching is polygon law. Polygon law. Okay, polygon law of vector addition. Okay, so what is polygon law? If you have multiple vectors, for example, let's say this is a vector A. This is vector A. This is vector B. And let's say this is vector C. Okay. Now, if I ask you, what is A plus B plus C? वॉट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल थ्री वैक्टर्स दैट इज ए प्लस बी प्लस सी कैसे कैलकुलेट करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी अगर बोला तो करो इमेजिन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू इमेजिन एडिशन ऑफ वैक्टर्स तो ए पहले तुम यहाँ से ए क्या लॉगे उसके बाद बी क्या लॉन्गे फिर सी क्या लौंगे तो वॉट यू डू इज ए के हेड पे ध्यान से देखना ए के हेड पे इधर ड्रॉ दिसर दिस इज ए के हेड पे तुम बी का टेल ज्वाइन कर दो इस तरह से ठीक है ए के हेड पे तुम बी का टेल ज्वाइन कर दो एंड बी के हेड पे सी का टेल ज्वाइन कर दो लाइक दिस ये क्या है

तो ए प्लस बी क्या होगा ये होगा ए प्लस बी यू कैन सी दै दिसर इी प्लस सी क्या होगा ए प्लस बी के साथ सी एड कर दो मतलब क्या होगा दिस वन दिस वन राइट हियर इज ए प्लस बी प्लस सी समझ गए तो दैट इज द रिजल्टेंट ठीक है तो व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली ए प्लस बी प्लस सी करना है तो जॉइन ईच वेक्टर हेड टू टेल

the next is resolution of vectors. resolution of vectors. okay. so resolution of vectors, mein kya Ki you have a vector. Dehko, ek karta. I'll, instead of just defining it, let's get a feel of this. take a. imagine a situation. Hai there is a this is ground and there is a block Okay. a block hai, like this now ye jo block a force laga rahe apne. we are going to exert a force on this block let us say like this at a certain angle okay this is a force vector f now, you can see that this I mean, practically you can imagine that what's going to happen. You can say that f vector tends to slide the block. I'll write it in tends to first one, slide the block, and second one. लिफ्ट ब्लॉक दो चीजें पॉसिबल है, है ना या तो इसको उठाने का भी कोशिश कर दोनों साथ में भी हो सकता है ठीक है उसको कब होगा वो सब बाद में अपने देखेंगे बट थिंग्स आर पॉसिबल या तो स्लाइड भी कराने की कोशिश करेगा या तो इसको ये भी कराएगा क्या बोलते हैं उसको लिफ्ट भी करा सकता है ओके नाउ हाउ डू आई एनालाइज दिस बोथ इंडिविजल इसको एनालाइज करने के लिए

टल फोर्स एक काम करता हूं ऐसा लिखता हूं दिस फोर्स कैन बी वन हॉरिजॉन्टल फोर्स प्लस वन वर्टिकल फोर्स इसको दो पार्ट में तोड़ देते ठीक है वी जस्ट ब्रोक दिस वैक्टर इन टू टू पार्ट ध्यान से सुनना इस चीज को अभी तक हमने क्या देखा इफ यू हैव मल्टीपल वैक्टर्स यू कैन एड दीज वैक्टर्स टू गेट अक्टर है ना गेट द रिजल्ट एंड अब इधर जो मैं कर रहा हूं ये उसका उल्टा है मतलब क्या कि आई एम आई हैव वन वेक्टर और उस वेक्टर को मैं इमेजिन कर रहा हूं कि वो एक्चुअली एक नहीं है बल्कि दो वेक्टर्स का सम है ठीक है इट्स लाइक यू हैव अ नंबर एंड ऑफ टेकिंग इट एज यू आर इमेजिनिंग कि वो थ्री प्लस टू है समझ गए ना ठीक है या फिर तुम ऐसा सोच सकते हो कि मान लो कि तुम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट जाने के बदले तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुमने थोड़ा सा नॉर्थ गए उसके बाद थोड़ा ईस्ट गए ठीक है अगर मैं देखू की जस्ट फॉर रेफरेंस ये हॉरिजोंटल लाइन है तो इस हॉरिजोंटल लाइन के साथ पर्टिकुलर वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल तीटा ठीक है इट्स मेकिंग एन एंगल टीटा तो अब मैं इसको देखो वापिस ड्रॉ करता हूँ कैसे दिखेगा देखते दिस राइट हिस्सा

ज जस्ट फॉर रेफरेंस ओके ओके तो अब मैं देखो क्या करने वाला हूं कि इसको दो पार्ट्स में तोड़ देता हूं ठीक है एक वेक्टर जो है वो ये है अलॉन्ग दॉरेजोंटल ऑल राइट एंड द अदर वेक्टर इज अलोंग दर्टिकल ठीक है तो इस चीज को समझना कि यू हैव यू एक्चुअली हैव वन फोर्स एक्चुअली में क्या है कि देर इज ओनली वन फोर्स बट यू जस्ट ब्रोक दिस फोर्स इन टू फोर्सेस एक force कौन force, फोर्स कौन सा है हॉरेजोंटल फोर्स एंड दूसरा फोर्स कौन सा है वर्टिकल फोर्स तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि वाई दिस डिविजन वाई डिड यू हैव टू डू दिस ठीक है Why did you have to do this? है? तो ये करने का रीजन तुम सोच सकते है कि हियर इफ यू ब्रेक दिस फोर्स दिस पर्टिकुलर फोर्स इंटू टू पार्ट यू कैन इमेजिन दैट की वन ऑफ दिस फोर्स जैसे कि दिस हॉरिजोंटल फोर्स दिस हॉरिजोंटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइडिंग यह हॉरिजोंटल फोर्स क्या करेगा स्लाइड करेगा एंड ये जो वर्टिकल फोर्स है वो क्या कराने जा रहा है it is going to try to lift the block. okay, so what did we just do? Ek force, ko do parts, one divided here. one horizontal force and another is vertical force. so that, according to the situation, one force is responsible for sliding and the other force is responsible for lifting up. okay, now agar mojai iska, magnitude, this particular process is called.

are called components of vector components of f vector all right i hope this is clear so now let's generalize this idea okay if you have a vector a let's say this is a vector a okay this is a vector a and there is a line a straight line like this this is a straight line i will just mention that this is a line some lines is line we do not know her situation change We will be looking at some important situations okay and a information there this angle is theta angle made by vector with the line is theta.

What I want to do is I want to break this vector A into two parts. Take A, I want to break this vector into two parts. First vector should be along the line and the other vector should be perpendicular to the line. So what I'll do is I'll write it like this. I want to break this vector A into two parts: A parallel vector plus A perpendicular vector. Okay, this is just a way of representing it. All right. Now either I'll just mention what these are. ए पैरल वैक्टर क्या है इट इज कॉम्पोनेंट ऑफ ए वैक्टर अलोंग द लाइन ठीक है एंड ए परपेंडिकुलर वैक्टर क्या है इट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ ए वैक्टर परपेंडिकुलर टू लाइन। तो ये देखना अभी क्या सिचुएशन है आई दिस थिंग अगेन ये दिस राइट हियर इज आर लाइन ये अपना लाइन है दिस इज आर वेक्टर ए दिस राइट हियर इज वेक्टर ए तो मुझे दो वेक्टर्स में बांटना है इसको तो दो वेक्टर्स में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखना तो इसको इसको जस्ट इमेजिन वी हैव वी हैव टू ऐड टू वेक्टर्स वन शुड बी पैरेलल टू दी लाइन एंड दी अदर शुड बी परपेंडिकुलर टू दी लाइन सो परपेंडिकुलर टू दी लाइन एंड पैरेलल टू दी लाइन शुड फॉर्म समथिंग लाइक दिस जो पैरेलल टू द लाइन है वो ऐसा दिखेगा है ना एंड वन परपेंडिकुलर टू दाइन शुड वुड बी लाइक दिस देख सकते क्या है ये क्या है वॉट इज दिस इज आर ए पर एंड दिस इज आर ए पैरल वेक्टर ठीक है नाओ अब ध्यान से देखना इस चीज को इस चीज को ध्यान से देखना क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है कि दिस एंगल इज थीटा this angle is theta now just look at this triangle okay now if you look at this triangle you can clearly see that what is cos theta cos theta k? cos theta is simply a parallel upon a magnitude wise you know? and what is sine theta is ए परपेंडिकुलर बाय ए फ्रॉम दीस टू यू कैन क्लियरली सी दैट इधर से अपने को क्या मिल गया दैट एम्प्लाइज ए पैरल का वैल्यू क्या है इट इज ए कॉस्थीटा एंड ए परपेन्डिकुलर का वैल्यू क्या है ए साइन थीटा ऑल राइट सो दीज आर द वैल्यूज मैग्निट्यूड्स ऑफ बोथ दी कॉम्पोनेट्स ए पैरल एंड ए परपेंडिकुलर ठीक है अब ये बात को ये क्वेश्चन आ जाता है कि हर बार अभी व्हाट इज द इजियर वे टू फाइंड दिस कंपोनेंट ठीक है तो द इजियर वे ऑफ फाइंडिंग दिस कंपोनेंट इज ठीक है तो हाउ टू फाइंड दिस हमने ये तो इसका बेसिक आइडिया तो लगा दिया कि पैरल एंड पर्पिकुलर कंपोनेंट्स के वैल्यूज कैसे होंगे करके बट वे ऑफ कैलकुलेटिंग दिस शुड बी दिस राइट हियर इज आर लाइन ठीक है

Drop a perpendicular from the head of a vector to the line. Okay, that is the first step. Second step is the two sides.

परपेंडिकुलर फ्रॉम दियर सॉरी इधर से क्या करो एक पर्पेंडिकुलर ड्रॉप करो यहां से एक पर्पेंडिकुलर ड्रॉप करो तो दिस इज वॉट आर ए पर्पेंडिकुलर एंड दिस इज आर वॉट ए पैरल एंड वेक्टर फॉर्म के लिए यू कैन रिफर दिस पर्टिकुलर डायग्राम राइट सो दट इज रिजॉल्विंग अ वेक्टर ऐसा लिख देता तो हूँ इसका टॉपिक जैसा कि अ मोमेंट दिस इज रिजॉल्विंग ए वेक्टर अलोंग ए लाइन रिजॉल्विंग अ वेक्टर अलोंग ए लाइन one important point is that k okay, tail of a should be sorry a tail of a vector should be on the line okay so let's look at a couple of examples okay? take so first one uh ye examples hai. first one is a ground hai, and a particle hai. this is a particle

Now the angle made by this velocity with the horizontal is thirty-seven degrees. Okay. So the question is find the components components of velocity vector along the horizontal.

i'll call this velocity along horizontal ठीक है तो इधर से देख सकते हैं कि वॉट इज वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल इट इज इजी 37 इट इज वी साइन 37 सेवन वी का वैल्यू कितना है टेन साइन थर्टी सेवन का वैल्यू है थ्री बाय फाइव इसका वैल्यू आ जाएगा सिक्स मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी अलोंग हॉरिजोंटल इज गोइंग टू बी इक्वल टू V cos 37, which is 10 into 4 by 5, which is 8 meter per second. I hope you understood this example. Alright, next example. Let's do one more based on velocity only. Yeah. Hai... Mallo there is an inclined plane. ठीक है देर इज एन इंक्लाइन प्लेन लाइक दिस एंड दिस एंगल इज थर्टी डिग्रीज दिस एंगल इज थर्टी डिग्रीज एंड एक पार्टिकल है इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हमने विथ अ वेलॉसिटी ऑफ लेट से क्या वैल्यू दू थ्री या टू रूट थ्री या फोर रूट थ्री मीटर पर सेकेंड फोर रूट थ्री मीटर पर सेकेंड का वेलॉसिटी दिया इसको ठीक है एंड एंगल विथ द इंक्लाइन इज अगेन थर्टी डिग्री ठीक है Angle with the incline is thirty degrees. Now either my two questions push now Okay, the first question is for okay a general question find the components of V vector along first one uh, Vertical and horizontal, vertical and horizontal, and second one is along the inclined plane, incline and perpendicular to incline. ठीक है, you have two questions. एक काम करता हूं इसमें कंफ्यूजन ना हो आई जस्ट राइट इट ए एंड इज एंड दिस क्वेश्चन ए ए पार्ट को सॉल्व करते हैं तो जस्ट लुक एट दी वेक्टर्स अगर ये वेक्टर है तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो है इट इज मेकिंग सिक्सटी डिग्रीज इज मेकिंग सिक्सटी डिग्रीज विदेजोंटल दिस एंगल इज सिक्स इनक्लाइन के साथ थर्टी इनक्लाइन के साथ थर्टी एंड इनक्लाइन खुद हॉरेजोंटल के साथ थर्टी है तो टोटल कितना हो गया थर्ट सॉरी सिक्सटी डिग्री है ना तो अभी इसके दो कॉम्पोनेंट कैसे होंगे वन कॉम्पोनेंट वुड बी पैरल मतलब हॉरिजोटल कॉम्पोनेंट ये हो गया एंड दूसरा कॉम्पोनेंट क्या हो गया हो गया ठीक है सो दिस इज आर ये दिस दिस इज आर वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज दिक वर्टिकल कॉम्पोनेंट एंड दिस इज दॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट ठीक है तो इधर से यू कैन क्लियरली सी दैट वी वी इज इक्वल टू वी वी साइन सिक्सटी मतलब फोर रूट थ्री इंटू साइन सिक्सटी कितना होता है इट इज रूट थ्री बाय टू तो इधर से वी वी का वैल्यू क्या आया इसका वैल्यू गया सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है एंड वी एच कितना होगा वी कॉस्ट सिक्सटी मतलब फोर रूट थ्री इंटू हाफ मतलब कितना है टू रूट थ्री मीटर पर सेकेंड ऑल राइट नाउ द सेकेंड वन इज सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि अपना जो लाइन है वो लाइन खुद एक सॉरी वो लाइन खुद थर्टी डिग्रीज बना रहा है है ना तो अभी इसका वेक्टर कैसा रहेगा देखना ये अपना वेक्टर हुआ वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस एंगल दिस एंगल इज थर्टी डिग्रीज ठीक है तो दो कॉम्पोनेंट कैसा रहेगा यू नीड टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर तो पर्पेंडिकुलर ड्रॉप करता है यहां से इधर ऐसा पर्पेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो कैसा वेक्टर्स रहेगा दिस वन अलोंग द इंक्लाइन एंड अदर इज पर्पेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ठीक है तो इसमें अभी नाम क्या दे सकता हूं मैं

एंड वी पैरेलल का वैल्यू क्या रहेगा वी कॉस्ट सिक्स इसका वैल्यू सीधा अपने पता है कितना है 6 है? Okay, we'll आएगा सिक्स मीटर पर सेकंड ठीक है ओके वी लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल आई जस्ट मेड अ लिटिल करेक्शन यहां सिक्सटी के बोले थर्टी आएगा ठीक है ऑलराइट नाउ नेक्स्ट एग्जांपल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल वो ये है कि दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन ठीक है दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन एंगल थीटा है ठीक है एंड देर इज अ पार्टिकल हियर पार्टिकल इस लाइक दिस एंड इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसा रहेगा इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वुड बी डाउनवर्ड लाइक दिस ठीक है लेट्स कॉल दिस जी वेक्टर लेट्स कॉल दिस जी वेक्टर नाउ आई वांट टू फाइंड द The question is Find the component of G vector along the incline and perpendicular to the incline. ठीक है नाउ वॉट इज जी बाय द वे इट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ठीक है राइट ओके सो हाउ डू यू सॉल्व दिस वन तो इसके लिए वॉट विल डू इज के विल ब्रेक दिस एक दो लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है Just for reference a line dekho is which is along the incline is the and the other line is perpendicular to the incline sorry is the perpendicular to the incline all right? ना इसमें ये जो जी वेक्टर है इसको देखो इसको इधर थोड़ा ऊपर उठा दिया मैंने जस्ट सो दट यू अंडरस्टैंड दट अब एंगल्स का देखना जस्ट लुक एट एंगल्स इफ यू लुक एट दिस ये एंगल कितना दिस इज नाइन्टी माइनस थीटा दिस इज नाइन्टी माइनस थीटा एंड यू कैन क्लियरली सी दैट दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा देख सकते हैं दिस एंगल इज थीटा इसके अंदर जो है ना ये थीटा है ये नाइन्टी माइनस थीटा ये टोटल 90 है ये टोटल जो है वो 90 है तो वो क्या हो गया थीटा हो गया अब देखो मैं पैरलोग्राम लॉ ड्राई करने वाला हूं ठीक है टू ड्रॉ पैरलोग्राम लॉ तो इसमें क्या करेंगे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दी हेड तो दिस लाइन एंड यहां से दूसरा पर्पेंडिकुलर फ्रॉम हियर टू हियर एक मिनट ये नाइनटी बीच में आ रहा है उसको कहीं और लिख देता हूं राइट इट लाइक दिस दिस इज नाइंटी माइनस थीटा ओके अब देखो अब इसमें देखो क्या क्या दो कॉम्पोनेंट से अपने को फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज अलोंग द इनक्लाइन तो अलोंग द इनक्लाइन यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज दिस वन दिस इज व्हिच इज अलोंग द इंक्लाइन ठीक है तो जी पैरेलल नाम दे देता दे है इसको ठीक है एंड वन इज परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइन व्हिच इज दिस वन डिकुलर ठीक है आई होप यू आर गेटिंग दिस आई ट्राई टू रिक्रिएट दिस इफ यू वॉन्ट यहाँ पे साइड में अलग से बना के दिखाता हूं ध्यान से देखो दिस राइट हियर इज आर वेक्टर दिस इज आर जी वेक्टर एक सेकेंड दिस ज दी परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट एंड दिस वन इज दी पैरल कॉम्पोनेंट लाइक दिस ओके तो ये तुमको दिख रहा है कि दिस एंगल इज थीटा

ठीक है, तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया ठीक है ना यू कैन क्लियरली सी दैट इफ दिस इज इज ऑल्सो जी पैरल दिस इज ऑल्सो जी पैरल फ्रॉम दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू जी साइन थीटा एंड जी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू जी कॉस थीटा तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट ये कह सकते हैं द कंपोनेंट अगर एक पार्टिकल को ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर रखे तो इट विल ट्राई टू स्लाइड डाउन राइट तो द कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइडिंग इज जी साइन थीटा ठीक है ये थोड़ा सा सोचने में मुश्किल लग रहा होगा बट इट इज एक्चुअली इजी जस्ट नीड टू रिमेंबर पैरल अलॉन्ग द इंक्लाइन जी साइन थीटा पोर्पिकुलर टू इट जी कॉस थीटा ओके वन मोर क्वेश्चन फोर्थ वन लेट्स से दैट दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन लाइक दिस ये एंगल थीटा है देर इज ब्लॉक लाइक ठीक है इस तरह से एक ब्लॉक है इस तरह से एक ब्लॉक है इसका इस तरह से एक ब्लॉक रखा गया

अगर इसको देखो तो दिस इज द इंक्लाइन एंड पर्पेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इसके इधर से इस पे ऐसा तो ये ट्राइंगल हो गया नाउ ये देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इसका इधर वेक्टर ड्रॉ करो सो दिस इज द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एंड दिस इज द फोर्स व्हिच इज पैरल टू द इंक्लाइन दिस वन देख सकते हैं। नाउ थिंग ये एंगल थीटा है। यू कैन सी द पैरेलल कंपोनेंट एंड दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट व्हाट इज पैरेलल कंपोनेंट फ्रॉम दिस ट्रायंगल ये ट्रायंगल को देख के करो यू कैन सी दैट पैरेलल कंपोनेंट इज एक्चुअली एफ कॉसिक

That let's say this is our line, this is our line, and the vector is already perpendicular to it. The vector is already perpendicular to it. Okay, so in this case, let's say this is or a vector in this case what can i say a parallel a parallel parallel to the line is going to be equal to 0 while a perpendicular is going to be equal to a itself take care and similarly if this is the line and the vector is already along that line मान लो कि वेक्टर ऑलरेडी उसी लाइन पे है सेकंड क्लीली सी देयर इज नो चांस ऑफ अ परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, ठीक है तो व्हाट कैन यू से यू कैन से दैट ए पैरेलल टू द लाइन वुड बी ए एंड ए परपेंडिकुलर इज गोइंग टू बी जीरो ठीक है इसी का एक कॉन्सिक्वेंस है कि इफ अ वेक्टर इज वर्टिकल इट विल नॉट हैव अ हॉरिजॉन्टल एंड इफ अ वेक्टर इज हॉरिजोंटल इट विल नॉट है वर्टिकल कॉम्पोन ठीक है क्योंकि दे आर म्यूचुअली पर्पीकुलर राइट तो एक राइट दिसमेंट जस्ट अट इधर ही लिख देता हूं जस्ट आई मेक सम स्पेस फॉर दैट सो द स्टेटमेंट इज अटर वेक्टर विल नॉट हैव ए कॉम्पोनेंट अलॉन्ग ए लाइन परपेंडिकुलर टू इट इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी है ग्रेविटी विल नॉट हैव अ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऐसे लिख देता हूं एग्जाम्पल ग्रेविटी डज नॉट हैव अ नो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट बिकॉज इट इज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ठीक है